दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश हो गया है और निर्मला सीतारमण ने जिन बातों पर फोकस किया है वो बहुत ही अच्छी है, जिन पर कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो गिफ्ट है पर अमीरों के लिए ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। जैसा कि जितना जो ज़्यादा कमाएगा उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हमारी जो नज़रें हैं बजट पर पूरी बनी हुई हैं। तो आइए हमारे साथ बजट की जो मुख्य खबरें हैं और किन किन पर प्रकाश डाला है और क्या क्या रही हैं बातें, तो जैसा कि हाउसिंग के लिए क्या रहा है, टैक्स के लिए क्या रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान एक शेर भी पढ़ा। निर्मला ने कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओढ़ भी लेकर चिराग जलता है। ये शेर मशहूर शायर मंजूर हाशमी का है। बेटी मंत्री का बजट सुनने माता पिता भी पहुंचे हैं। निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ऐसे में ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए गर्व का पल है। ऐसी ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी संसद भवन पहुंचे। निर्मला सीतारमण के माता पिता भी संसद भवन में बैठकर अपनी बेटी के बजट पेश करते हुए देखा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया। पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है। कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक व्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने गिनाए कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष यान, जल चंद्रयान, गगनयान को गिनाया। सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू सब कुछ महंगा। सोना पर कुल शुल्क बढ़ाकर 10% या टैक्स से बढ़ाकर 12 से 12.5% कर दिया है। तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपए का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 3% सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ से अधिक कमाने पर 7% सरचार्ज देना होगा। ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स। अगर कोई व्यक्ति बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा, यानी सालाना 1 करोड़ से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपए टैक्स में ही कट जाएंगे। इनकम टैक्स देने वालों के लिए बड़ा ऐलान। ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे, यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपए का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। कंपनी के लिए बड़ा ऐलान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99% कंपनी आ जाएंगी। ई वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्टअप पर को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग की इनकी जांच नहीं करेगा। निवेश और विदेश पर केंद्र सरकार की नज़र। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं है उन देशों में दूतावास खोलने जा रही है। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्य 4 नए दूतावास खोलना चाहती है। सरकार लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है। छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लेन देन की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। हमारी सरकार इसके साथ हर किसी को घर देने की योजना भी आगे बढ़ रही है।
भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारत माला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं, नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें मुद्रा योजना, सागर माला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहेंगे। मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे, इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है, जिसमें 657 किलोमीटर मेट्रो चालू किया है, जबकि 300 किलोमीटर नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारी सरकार का अगला लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। जल ही साथ ही वन नेशनल वन ग्रिड के लिए हमें आगे बढ़ रहे, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया है कि सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसके रुपए कार्ड की मदद से लाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है, इस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेटिंग को फॉर्मूला लागू किया जाएगा। महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारी सरकार अपनी योजनाओं को अंत्योदय तक देने जा रही है। हमारी सरकार को केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है 2022 तक हर गांव में बिजली पहुँचे। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफ़ी बदलाव आया है। सरकार ने 1 से 20 रुपए के नए सिक्कों का ऐलान भी किया है। अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य है 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाए। अभी हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वसूल लिया है। देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किया है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3600 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए 18,431 करोड़ का सालाना बचत है। इस बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाएं ST/ST उद्यमी को लाभ दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए TV चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले 5 साल में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80,000 से 250,000 करोड़ का खर्च आएगा। हम नई शिक्षा नीति लाएंगे, शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया है। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं। ऐसे में सरकार इन संख्याओं को बढ़ाने पर जोर देगी। 5 साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था। अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य है 2022 तक हर किसी को घर देने का। आज 1 करोड़ लोगों ने फोन के स्वच्छ भारत ऐप है, देश के 1,95,00,000 घर देने का लक्ष्य है। 2014 के बाद 9,06,00,000 शौचालय का निर्माण किया गया है। 5,06,00,000 गांव आज देश में खुले शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। हमारी सरकार ने पानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जाएगा। 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है, जिसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। देश में 100
नए क्लस्टर बनाए जाएंगे, 20 प्रौद्योगिक बिजनेस एक्यूमेंट स्थापित किए जाएंगे जिसके जरिए 20,000 लोगों को स्किल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है, इसके साथ ही डेयरी कामों को बढ़ावा दिया जाए। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है, किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है। जैसा कि आपने देखा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, तो उसमें जो स्पीकर हैं ओम बिरला, तो उन्होंने सहमति मांगी लोगों की, तो सहमति में यस और नो के उन्होंने हाथ खड़े करवाए और हाँ बुलवाया। तो यस पर सभी लोगों ने हाँ कर दिया और नो पर सभी शांत रहे। तो बिरला जी ने उन्होंने कह दिया कि यस की तरफ बहुमत बन चुका है और इस बजट को पेश किया जाता है और इस पर आखिरी मोहर लग चुकी है। तो मोदी सरकार की कहीं ना कहीं कामयाबी है, जिस तरीके से कुछ बैंकों में भी बदलाव लाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि जो RBI है उसके हैंड में वो चीज़ें छोड़ दी गई और गरीबों के लिए काफ़ी राहत भरा ये बजट पेश रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।